WWE के सुपरस्टार द ग्रेट खली को कौन नहीं जानता। WWE में कई खिलाड़ियों को धूल चटाने वाले खली भारत की शान है। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका नाम पूरी दुनिया में होगा। लेकिन आज हम आपको बताएंगे खली की पत्नी के बारे में, जो कि बेहद खूबसूरत दिखते हैं। तो दोस्तों, आखिर कैसी दिखती हैं खली की पत्नी, जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, द ग्रेट खली, जिसको आज के समय में हर बच्चा बच्चा जानता है, खास बात यह है कि अभी तक इस प्लेयर ने जीत के कई खिताब अपने नाम कर लिए हैं। भारतीय मूल के WWE रेसलर का असली नाम दिलीप सिंह राणा है। दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली का नाम हिंदू देवी काली के नाम पर पड़ा है, जो आंतरिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। वो रेसलिंग में आने से पहले पंजाब पुलिस में काम करते थे। खली का सीना 56 इंच नहीं बल्कि 63 इंच है। ये भारतीय रिकॉर्ड है। 22 अगस्त 1972 को जन्म खली हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक छोटे से गाँव से आते हैं। वो पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। खली के पिता का नाम ज्वालाराम और माता का नाम तांडी देवी था। आज जिसे हम महाबली या द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं, हकीकत में उनका पूरा नाम दिलीप सिंह राणा है। द ग्रेट खली के पिता खेती का काम करते थे, जिससे उनके घर का खर्च चलता था और घर में गरीबी का माहौल बना रहता था। खली के सातों भाई बहन दिखने में सामान्य थे, लेकिन खली का शरीर कुछ अलग ही था और वो बचपन से ही हेल्दी थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय में खली पंजाब पुलिस में अधिकारी के तौर पर काम करते थे, लेकिन उनकी किस्मत ने कुछ ऐसी पलटी मारी कि वो पूरी दुनिया के स्टार बन गए। खली का जीवन जितना ऐशो आराम भरा आप देखता है, उसके पीछे उनका उतना ही संघर्ष भी छिपा हुआ है। और दोस्तों, अगर हम बात करें उनकी पत्नी की, तो आपको बता दें कि ग्रेट खली ने जलंधर के नूर महल की रहने वाली हरमिंदर कौर से साल 2002 में शादी की थी। दोनों की एक बेटी अवलीन राणा भी है। अवलीन राणा का जन्म फरवरी 2014 में हुआ। हरमिंदर कहती है कि वो बेटी को भी पिता की तरह रेसलर बनाएंगी। आपको बता दें, हरमिंदर कौर हाउसवाइफ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खली की पत्नी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।